नमस्कार। आज कोई प्रश्न नहीं है, कोई आपका टॉपिक नहीं है। बात सिर्फ दो शब्द है जो मेरे अंतरात्मा से निकल रहे हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कल के एग्ज़ाम के लिए। अब बहुत अच्छे से पेपर देखिएगा। लेकिन कुछ आपके आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, जो आप अक्सर गलत करके चले आते हैं, बाद में पछताते हैं। देखिए, फाइट या कभी कभी एक दो नंबर का हो जाता है, तो एक एक प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है। तो कुछ थोड़ा सा आप अगर केयरफुल होके इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए हो सकता है थोड़ा बहुत बेनिफिट आपको मिल जाए। वो इतना मेरे लिए बहुत है। और देखिए, सभी प्रश्न सरल नहीं होंगे और सभी प्रश्न कठिन नहीं होंगे। ज़्यादातर प्रश्न आपके मध्य में ही रहते हैं, ये आप जानते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा देते हैं। अब याद रखिएगा, अभी तक कोई कट ऑफ की बात नहीं हुई, तो हो सकता है पेपर का जो आपका रेंज हो वो कठिन की ओर ज़्यादा हो, तो आप विचलित हो जाएंगे। अरे मुझे नहीं आ रहा। अरे जो पेपर आपके पास आया वो सबके पास आया, और हो सकता है सबका वो पोर्शन ना अच्छा हो, कोई बहुत अच्छा भी होगा तो आपका दूसरा पोर्शन है। तो बिल्कुल पहले तो विचलित मत होइएगा, बहुत ही पॉजिटिव रखिएगा अपने को। और याद रखिएगा कि अगर बहुत ज़्यादा कठिन शुरू में प्रश्न आए, तो आप थोड़ा सा पीछे से, लास्ट से, बीच से प्रश्न करना शुरू करिएगा। क्योंकि जितना टाइम आप कठिन को देंगे एक प्रश्न को, हो सकता है उतने में आपके तीन चार सरल भी सॉल्व हो जाएं। और कभी कभी ऐसा होता है कि कई प्रश्न हमें देखने का टाइम नहीं मिलता, वो इजी रहते हैं और वो छूट जाते हैं, गलती से लग जाते हैं। आप गोला भर के चले जाते, गोला भरने में गलती कर देते। तो ये सब चीज़ें इस बार मत करिएगा, बहुत अच्छे से आप एग्ज़ाम दीजिएगा। और याद रखिएगा कि जो पेपर आपके सामने आया है वो सबके लिए आया, कोई ना कोई सबका वीक पॉइंट है। तो वहाँ पे विचलित होने की ज़रूरत नहीं कि हम बहुत कम कर रहे हैं, बहुत कम आ रहा है। हो सकता है आप जो तुक्का भी मार रहे हो वो भी ज़्यादा सही हो जाए, इसमें भाग्य की भी बात है। लेकिन कोशिश करिएगा कि ऑप्शन एनालिसिस करिएगा ऐसे प्रश्नों का। जैसे अगर कोई प्रश्न आपने एकदम नहीं देखा, तो आप ऑप्शन देखिएगा, तो दो तीन ऑप्शन तो आपके अगर जाने पहचाने हैं, उनके बारे में आप जानते हैं, तो वो तो डेफिनेटली वो ऑप्शन उस प्रश्न से मैच नहीं करेगा। तो कम से कम दो में आप कंफ्यूज रहेंगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी 50-50 रहेगी, नहीं तो आपकी 1/4 रहेगी। तो आप ज़्यादातर गलत लगाने की संभावना आपकी होती है। दूसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है, अक्सर आप सरल प्रश्नों को गलत कर देते। तो कम से कम सरल प्रश्नों को हल करने से पहले उस ऑप्शन को दोबारा ज़रूर पढ़िएगा। अक्सर ये होता है कि हमने कठिन जो होते हैं प्रश्न वो तो हम लगा देते हैं, लेकिन जो सरल प्रश्न होते हैं वो हम जल्दीबाजी में क्या करते हैं, गलत करते हैं। तो ऐसा इस बार ना हो। और ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा टाइम मैथ्स को दे दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम आप रीजनिंग को दे दे रहे हैं, तो प्लीज़ उतना ही, जितना रेशियो में प्रश्न है उतने ही रेशियो में आप हर पोर्शन को दीजिएगा टाइम। ऐसा नहीं कि आप जो है सारा टाइम झोंक दे किसी एक पोर्शन में, वो उतना लिमिटेड देगा आपका नंबर। तो आपको क्या करना है कि हर पोर्शन को टाइम देना, और प्लीज़ मेरे पोर्शन को थोड़ा सा केयरफुली देखेगा। आपकी हर चीज़ें पढ़ी गई हैं, जो चीज़ें नहीं भी पढ़ी गई हैं आप ऑप्शन एनालिसिस करिएगा। और संभावना क्या होती है, अगर आप चार में कन्फ्यूज़ हैं तो ज़्यादा गलत होने की संभावना है, तीन में है तो और कम, दो में तो और कम। ज़्यादातर आपका जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपने एकदम नहीं देखे, उसमें हमें लगता है कि नहीं, हमने जो सुना हुआ है वही हो सकता है ऑप्शन, लेकिन ऐसा नहीं होता। अक्सर क्या होता है, ऑप्शन एकदम ऑड सा होता है। और आप जितने भी प्रश्नों को हल करिएगा, उनके गोले भरने में बहुत सावधानी बरतिएगा। प्लीज़ कोई भी गोला गलत मत भरिएगा, कोई भी किसी अन्य प्रश्न का गोला किसी अन्य प्रश्न में मत भरिएगा। रोल नंबर जहाँ लिखना है रोल नंबर लिखिएगा, अन्य जितनी आपकी सावधानियाँ हुए मार पे वो बहुत अच्छे से दीजिएगा। आप सेंटे ना चढ़ने पाए, हर जगह साइन चेक कर लीजिएगा। और प्लीज़ हर पोर्शन को इक्वल टाइम दीजिएगा, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आप किसी को टाइम नहीं दें और कुछ प्रश्न आपके छूट जाए। अक्सर होता है जल्दीबाजी में क्या होता है, आप सोचते हैं हिंदी तो बहुत आता है तो हिंदी को लास्ट में दिया, तो क्या है वो हिंदी आपका स्कोरिंग पोर्शन है। आप उतना टाइम अगर इंग्लिश में ज़्यादा देंगे तो वो आपका उतना स्कोर नहीं करा पाएगा, क्योंकि वो आपकी मातृभाषा नहीं। जिसकी इंग्लिश में पकड़ है वो हिंदी में नहीं कर सकता, जो इसकी हिंदी में पकड़ है वो इंग्लिश में उतना नहीं कर सकता। तो हर पोर्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। हो सकता है आपका कोई ऐसा पोर्शन हो जो आपका एकदम नहीं तैयार हो, तो एकदम मत घबराइएगा, क्योंकि किसी न किसी का कोई ना कोई वीक पॉइंट है। और आप क्या है, आपने मेहनत की है और आप ज़रूर सफल हो सकते हैं, ये संभावना पूरी पूरी है, ये लेकर ही जाइएगा। और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट मत होइएगा अगर प्रश्न बहुत कठिन आ गए, क्योंकि कट ऑफ की बात नहीं की गई है। तो हो सकता है प्रश्नों का जो लेवल है, डिफ़िकल्टी, वो बढ़ा दिया जाए, तो वो प्रश्न सबके लिए एक समान आए। और
आप खुद समझदार हैं, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, आपको बहुत 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 शुभकामनाएं, भगवान करे आपकी हर इच्छा पूरी हो, और सभी की तो नहीं संभव है, लेकिन वास्तव में जिसने मेहनत की है उसकी तो पूरी होने की संभावना ज़्यादा है, और जिसके भाग्य में जो रहता है वही मिलता है, कोई किसी का भाग्य छीन नहीं सकता। ऑल द बेस्ट टू यू एंड ऑल ऑफ यू, आप बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा, समय से आप सेंटर पर पहुँचिएगा, और प्लीज़ केयरफुली आप ऑप्शन को टिक करेगा। धन्यवाद।